Good evening, friends. Any questions you have? Take a minute. एक मिनट देखिएगा, पेज नंबर 115, क्वेश्चन 5, पेज 115, क्वेश्चन 5, फॉर असेसमेंट ईयर 18-19, द एओ रिसीव्स इंफॉर्मेशन ऑन 23-3-22 that income of 20 lakh has escaped assessment for 18-19. नोटिस अभी तक हम 3 साल तक इश्यू कर सकते हैं. ही इश्यूज अ शो कॉज नोटिस टू द असेसी अंडर 148A ऑन 27-3-22 कर सकता है टू फर्निश द रिप्लाई टू द नोटिस बाय 25-4-22. ये भी वैलिड है. मैक्सिमम 30 दिन दे सकता है शो कॉज करने के लिए. The assessee replies to the show cause notice on 4-4-22. ठीक है. What is the time limit by which AO may pass the order under 148AD and serve it along with the notice under 148 to the assessee? So time limit for passing the order under 148AD होती है 1 month from the end of the month in which reply is received. रिप्लाई रिसीव हुआ है कब? 4-4-22. सो एज पर लॉ 31-5-22 तक 148A ऑर्डर पास कर सकता है. बट 148A ऑर्डर का कोई यूज नहीं है अगर आप नहीं भेजते, अगर नहीं एओ भेजता विद अ नोटिस अंडर 149. सो इंप्लाइडली जो 149 का 148 में नोटिस भेजने का टाइम है उसी के साथ ये ऑर्डर जाना चाहिए. एंड दैट ऑर्डर, दिस ऑर्डर अंडर 148AD शुड बी पास्ड बिफोर सेंडिंग द नोटिस अंडर 148. और 148 नोटिस का टाइम लिमिट इज गवर्न बाय 149. 149 के हिसाब से जितना टाइम असेसी को दिया गया था वो बढ़ा दिया जाएगा. तो जो टाइम लिमिट है नोटिस भेजने का 3 ईयर्स, उसे इंक्रीज करेंगे जो टाइम असेसी को दिया गया टू रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस 30 डेज. उसके बाद ये टाइम आ गया 30-4-2022. सो नोटिस इस दिन तक भेज सकते हैं और ऑर्डर इस दिन तक पास कर सकते हैं. बट एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लेंगे आप कि ऑर्डर का कोई यूज है ही नहीं जब तक नोटिस के साथ ना भेजा जाए, और नोटिस के साथ भेजना मस्ट है. And therefore, this order should be passed on or before this date. अब हमने लॉ में यह भी पढ़ा था कि अगर ऑर्डर पास करने के लिए एओ के पास लेस देन सेवन डेज है. So order under 148AD should also be passed by 30-4-22. ये भी ठीक है. However, since the time period for passing the order under 148AD is less than 7 days on 25-4-22. एक मिनट लॉ चेक करते हैं.
सो यू आर करेक्ट. यहां एओ के पास सिंस रिप्लाई 4 तारीख को आ गया है, उसके पास 7 डेज हैं टू पास द ऑर्डर, देयरफॉर फर्दर एक्सटेंशन नहीं की जाएगी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो नेक्स्ट पेज पर जो लिखा हमने वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है. सो सीधा आंसर यही होगा कि एओ के पास टाइम है 7 दिन का, यस, क्योंकि रिप्लाई 4 को आ गया है, तो उसके पास टाइम है 7 दिन का, देयरफॉर फर्दर 7 डेज जो हमने 2 दिन एक्सटेंड किया वो गलत किया हमने. सो यहां तक आंसर ठीक है कि ऑर्डर शुड ऑल्सो बी पास बाय 30/4/22. यू आर करेक्ट. सो नेक्स्ट पेज पे गलत है, ये डिलीट कर दीजिए. एक पुरानी जजमेंट करते हैं जो नए लॉ में भी रेलेवेंट है. सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये जजमेंट का क्रक्स ये है कि अगर आपकी 143(3) में असेसमेंट हो गई, कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, या तो अपील करिए या फिर रिवीजन में जाइए कमिश्नर के पास, या फिर अगर मिस्टेक अपरेंट है तो रेक्टिफिकेशन मूव करिए, बट आपने कुछ भी मूव नहीं किया, आपकी 143(3) में एक्सपेंस दूसरा हो गया जो कि अलाउ होना चाहिए था, तो आपके पास रेमेडी थी कि आप अपील में जाते, रिवीजन में जाते, रेक्टिफिकेशन में जाते, बट आप नहीं गए और इन सब के टाइम निकल गए. मान लीजिए 10 लाख का एक्सपेंस दूसरा हो गया था और ये एक्सपेंस वाकई में अलाउड था, बट एओ ने डिसअलाउ कर दिया और किसी वजह से एसएससी ने ना तो अपील की, ना रिवीजन किया 264 में, ना रेक्टिफिकेशन मूव की. अगर वो यहां जाता तो उसे जस्टिस मिल जाता. कुछ समय बाद केस 147 में खुल गई और वहां 50 लाख की इनकम पकड़ी गई. असेसी कहता है ये तो ठीक है, पकड़ी गई ठीक है, मान लीजिए 70 लाख, बट असेसी कहता है जो मेरे 10 लाख पहले डिसलाव हुए थे वो मुझे अलाउ करिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉसिबल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मैटर्स आप हार चुके हैं, जो मैटर्स डिसाइड हो चुके हैं आपके अगेंस्ट और आपने अपील नहीं की, रिविजन नहीं किया, रेक्टिफिकेशन नहीं किया, उनको अब आप 147 में रेज नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम 147 में अलाउ कर दें, फिर तो हम 147 प्रोसीडिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरह से अपील में, एक तरह से रिवीजन में, एक तरह से रेक्टिफिकेशन में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, 147 इज फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ असेसी. आप यहां पर जो क्लेम्स आप हार चुके हैं उनको यहां क्लेम नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, जो एक्सपेंसेस आप यहां क्लेम करना भूल गए थे उनको यहां क्लेम नहीं कर सकते. जो एक्सपेंसेस, सपोज यहां आपने बॉम्बे का बिजनेस दिखाया था और बॉम्बे के कुछ एक्सपेंसेस क्लेम करना भूल गए थे, अब आपका पुणे का बिजनेस पकड़ा गया, तो यहां पर आप वो एक्सपेंसेस जो बॉम्बे बिजनेस के आप क्लेम करना भूल गए थे वो यहां क्लेम नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हां, अगर पुणे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं
जो आप पकड़ा गया है वो तो आप क्लेम कर सकते हैं, बट जो एक्सपेंसेस आप उस समय क्लेम कर सकते थे आपने क्लेम नहीं किए, अब आप क्लेम नहीं कर सकते। मैंने इस जजमेंट के फैक्ट्स चेंज किए हुए थोड़े से, एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं अभी बताता हूं आपको जजमेंट कराने के बाद। सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, द असेसी फाइलर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ऑफ 15-16 डिक्लेयरिंग द इनकम ऑफ 20 लाख, द एओ अंडर 143(3) मेड ऑन 31-12-16 डिसअलाउड एक्सपेंस ऑफ 15 लाख, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट दिस एक्सपेंस इज अलाउबल। आप चाहते तो 154 में जा सकते थे, जस्टिस मिल जाता, अपील में जा सकते थे, 264 में जा सकते थे, आपको 100% अलाउ हो जाता, बट आप नहीं गए, कोई वजह रही। द एओ असेस द इनकम एट 35 लाख अंडर 143(3), द असेसी डिड नॉट फाइल एन अपील टू द सीआईटी अपील्स रिविजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अंडर 154 और टाइम फॉर फाइलिंग द अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन हैव ऑल एक्सपायर्ड नाउ। EO finds income escaping assessment of 52 lakh for assessment of 15-16 on 31-122 and issues a notice under 148 along with the order under 148 AD to assess the escaped income 52 lakh. Assessee return file करता है कि देखिए 35 lakh जो आपने पहले assess किया, 52 lakh जो आपको अब मिला, less एक्सपेंस विच वॉज रॉन्गली डिसअलाउड में आप क्लेम कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पॉसिबल नहीं, आपकी इनकम रहेगी 87 लाख। सिंस द असेसी हैज नॉट अपील्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एओ पास्ट अंडर सेक्शन 143(3) it has become final. On reassessment under 147, original assessment khatam nahi hoti. Original assessment remains. Assessee cannot seek the reopening of the entire assessment and cannot claim credit in respect of items finally concluded in the original assessment. Assessee ye nahi keh sakta ki aap meri puri assessment dobara se kari. The assessee cannot claim recomputing of income or redoing of an assessment and cannot be allowed a claim which he either failed to make or which was otherwise rejected at the time of original assessment and has acquired finality. दो चीजें, जो एक्सपेंस आप क्लेम करना भूल गए थे ओरिजिनल असेसमेंट में, आप रीअसेसमेंट में क्लेम नहीं कर सकते। जो मैटर्स आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गए थे और फाइनल हो गए, फाइनल मतलब आपने अपील वगैरह नहीं की, उनको आप क्लेम नहीं कर सकते। अब बाकी रेपिटेशन है सारा। असेसी कैन नॉट रीएजिटेट मतलब दोबारा से कहे कि मैं क्लेम कर रहा हूं, कैन नॉट रीएजिटेट in the reassessment proceedings the matter which he had lost during the original assessment proceedings. The reassessment does not wipe off the original assessment. Wohi sab repeat ho raha hai. A matter not agitated matlab claimed, a matter not agitated in the concluded original assessment proceeding cannot be permitted to be agitated in the reassessment proceedings unless it relates to the item sought to be taxed as escaped income. तो अगर आपकी पहले बॉम्बे के बिजनेस की असेसमेंट हुई थी तो बॉम्बे के जो एक्सपेंसेस आप क्लेम करना भूल गए थे, आप पुणे की इनकम पकड़ी गई, उनको क्लेम नहीं कर सकते। तो पुणे की जो इनकम पकड़ी गई है वहां पर पुणे के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। In the reassessment proceedings for bringing to tax items,
which had escaped assessment. It would be open to the assessee to put forward claims for deduction of any expenditure in respect of that income or non-taxability of the income to escape kar gayi hai. The reassessment proceedings are for the benefit of revenue and not for the benefit of the assessee, and the assessee cannot be permitted to convert the reassessment proceedings into appeal, revision, and cannot seek relief in respect of items rejected earlier or in respect of items not claimed in the reassessment proceedings. Reassessment cannot result in reduction of income beyond the income originally assessed. In the present case, the assessee will not be allowed the expense of 15 lakh since the issue of 15 lakh has acquired finality. एक मिनट, आपने 143(3) में बॉम्बे का बिजनेस असेस हुआ और 147 पुणे का बिजनेस पकड़ा गया. आपने 143(3) में कुछ पुणे के एक्सपेंसेस क्लेम किए थे जो एओ ने डिसअलाउ कर दिया था कि आपका पुणे में बिजनेस है ही नहीं. आप इनका क्वेश्चन है कि क्या जब पुणे का बिजनेस रीअसेस हो रहा है, मतलब 147 असेस हो रहा है, क्या मैं एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूं? आंसर इज नो. बिकॉज जो मैटर, दो चीजें हैं, जो मैटर्स आप हार चुके हैं उन्हें 147 में क्लेम नहीं करेंगे. सिर्फ इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने पहले क्लेम नहीं किए थे और पहले आप हारे नहीं थे. अभी दिखाता हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा. सो पुणे बिजनेस जो पकड़ा गया उसके एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, बट उसके एक्सपेंसेस अगर आपने 143(3) में क्लेम किए थे और आपके डिसलाउ गए थे और आपने अपील नहीं की थी तो मैटर फाइनल हो गया, उसे अभी आप क्लेम नहीं कर सकते. ऑन रीअसेसमेंट principles emerging from Sun Engineering. On reassessment under 147, original assessment is not wiped off but it remains. Matters lost in the original assessment proceedings which have since acquired finality, that is against which no appeal, rectification, revision filed, cannot be claimed in the reassessment proceedings. Therefore, expenses disallowed, income tax in the original assessment, against which no appeal, revision, rectification application was filed, cannot be claimed as allowable or non-taxable in reassessment under 147. Expenses not claimed in the original assessment cannot be claimed in the reassessment proceeding under 147. However, expenses pertaining to income which has escaped assessment can be claimed. The assessee can prove that the income which is alleged to have escaped assessment is not taxable. हाँ, अगर पुणे बिजनेस पकड़ा गया है, उसके एक्सपेंसेस आपने पहले क्लेम किए थे, पहले डिसलाउ गए थे, अब आप क्लेम नहीं कर सकते. Under 147, the income cannot be reduced below the income originally assessed. Similarly, 147 losses cannot be assessed above the losses originally assessed. 147 is for the benefit of revenue and not for the benefit of the assessee. Therefore, if return was not filed and no assessment was made earlier, then under 147, AO cannot compute the loss of the assessee. Is question, is case ke exact facts ye the. बताइए, आपका 143(3) में लॉस निकाला गया 20 लाख, 147 में 1 करोड़ की इनकम पकड़ी गई, सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, इनकम तो नॉर्मल तरीके से निकलेगी. इस केस में क्या हुआ, असेसी का लॉस था बट उसने रिटर्न लेट फाइल की. एओ ने अपने ऑर्डर में लिखा 143(3) में कि लॉस ना तो सेट ऑफ होगा ना कैरीड फॉरवर्ड होगा. एओ ने
अपने 1433 ऑर्डर में लिखा कि लॉस ना तो सेट ऑफ होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑर्डर गलत है, सेट ऑफ तो हो सकता है, बट असेसी ने अपील नहीं फाइल की, कोई इनकम थी नहीं उसकी और बाद में ये इनकम पकड़ी गई। अब असेसी कहते जी लॉस सेट ऑफ करिए मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी यहां ऑर्डर पास हो गया था कि लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, ऑल दो ऑर्डर बिल्कुल गलत था, आप ऑर्डर ठीक करवा लेते, बट ठीक नहीं कराया तो अब इसे आप 147 रिलीज नहीं कर सकते। तो इसके एग्जैक्ट फैक्ट्स ये वाले थे। असेसी फाइल रिटर्न लेट आफ्टर द ड्यू डेट एंड हैज शोन अ लॉस ऑफ 25 लाख, द ईओ पास एन ऑर्डर अंडर 143 दैट सच लॉस शैल नॉट बी सेट ऑफ और क्रेडिट फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ऑर्डर बिल्कुल गलत है, 154 में जाते तो ऑर्डर ठीक हो जाता, वहां लिख देते कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सेट ऑफ तो हो जाएगा, बट ऑर्डर इनकरेक्ट था। बट असेसी ने कोई अपील नहीं फाइल की, रिविजन मूव नहीं किया, रेक्टिफिकेशन मूव नहीं किया, क्योंकि उसकी कोई और इनकम थी नहीं और उसे लॉस कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता था। एंड द टाइम फॉर फाइलिंग अपील वगैरह हैज एक्सपायर्ड। एओ लेटर ऑन इश्यूज नोटिस ऑन द 148 टू टैक्स द एस्केप्ड इनकम ऑफ 70 लाख। कैन द असेसी सेट ऑफ अ लॉस ऑफ 25 लाख अगेंस्ट 70 लाख। अगर ये ऑर्डर ठीक करवा लिया होता आपने तो सेट ऑफ कर सकता था, बट सिंस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील नहीं की, ऑर्डर फाइनल हो गया, अब ये इश्यू नहीं खुलेगा, लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। एक जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वही एग्जामिनर ने पूछा, पेज 124 क्वेश्चन 6 देखिएगा। एक्स फाइल अ रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 1819 डिक्लेयरिंग एन इनकम ऑफ 325,000, ही हैज बीन असेस्ड अंडर 143 और एओ ने फॉलोइंग एडिशंस कर दी हैं, क्या क्या? अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिली क्रेडिटर से, 2 लाख। डिस अलावेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर फॉर टू टू चेन्नई 46,000 फॉर इफेक्टिंग सेल देयर एज असेसी फेल टू एस्टैब्लिश दैट एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो असेसी का चेन्नई में कोई बिजनेस नहीं था, इसलिए चेन्नई के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो गए और असेसी ने कोई अपील वगैरह नहीं की। एट अ लेटर स्टेज ही इज सर्व विद अ नोटिस ऑन 148 फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट 1819 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स ही वाज सॉट टू ऐड अनअकाउंटेड सेल्स ऑफ 4 लाख मेड एट चेन्नई। उसे 4 लाख की सेल मिल गई चेन्नई में, चेन्नई का बिजनेस पकड़ा गया, बट अब ये चेन्नई वाले एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि डिसअलाउ हो चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग द असेसी प्रोड्यूस्ड कंफर्मेशन फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड रिक्वेस्टेड टू डिलीट द एडिशन फॉर अनएक्सप्लेन कैश रेट ऑफ 2 लाख एंड टू अलाउ द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 46 लाख। दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि दोनों पहले डिसअलाउ हो चुके हैं एंड इशू हैज एक्वायर्ड फाइनलिटी। ये क्वेश्चन हो रहा था आपको इस तरह से, सिंपल था। पहला क्वेश्चन पेज 121 डिस्कस द फॉलोइंग। अ कंप्लीटेड असेसमेंट वॉज रीओपन्ड
based on information that income has escaped assessment. In the reassessment proceeding, is it permissible to make any fresh limit of deduction of items not raised during regular assessment proceedings? Cannot. Is it open to seek a review of the concluded issue? Answer is no. Sun Engineering. आगे बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट करते हैं. ऑन पेज 118 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. जजेस को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने पड़ते हैं. इनकम टैक्स वाले भी जजेस होते हैं, सॉर्ट ऑफ जजेस. सो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. एग्जैक्ट जज नहीं होते, बट जजेस की तरह काम करते हैं. तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने पड़ते हैं. पहला प्रिंसिपल है, एवरी अथॉरिटी वाइल पासिंग एनी ऑर्डर हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. इफ अ सेक्शन डज नॉट इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देन इट शुड बी अज्यूम दैट सच प्रिंसिपल्स आर इनबिल्ट इन द सेक्शन एंड द अथॉरिटी हैज टू फॉलो सच प्रिंसिपल्स. तो सेक्शन में अगर लिखा नहीं भी है तो अथॉरिटी प्रिज्यूम करेगी सेक्शन में लिखा है और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी. पहला प्रिंसिपल होता है कि किसी पर भी कोई आप एडवर्स ऑर्डर पास कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो उसे आप शो कॉज नोटिस देंगे सुनने का कि बताइए हम ये ऑर्डर क्यों ना पास करें आपके अगेंस्ट. अ पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड और हुज राइट्स आर लाइकली टू बी इफेक्टेड एडवर्सली मस्ट बी ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड. ही मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज वाई सच ऑर्डर शुड नॉट बी पास अगेंस्ट हिम और वाई सच एडवर्स एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट हिम. इफ शो कॉज नोटिस इज नॉट गिवन देन द ऑर्डर इज वॉइड ऑफ एन इश्यू. नंबर टू, ऑर्डर शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर. ऑर्डर में डिटेल रीजन होने चाहिए, ये ऑर्डर इस तरह क्यों पास किया गया है, डिडक्शन क्यों डिसअलाउ की गई है. सेकेंड कंसेप्ट, जो एडिशंस करता है एओ, अब तो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर करेगा, वो दो तरह की एडिशंस होती है. एक होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ पर और एक होती है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर. क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जहां इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, जहां इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है. जैसे कि मैंने फैक्ट्री के बाहर रोड्स डाले, सो गवर्नमेंट की रोड्स हैं, उनको ठीक कराया, तो क्या वो एक्सपेंडिचर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये इंटरप्रिटेशन का इशू है. सो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जहां लॉ की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है. सो मेरे वाले केस में कि ये एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 37(1) में देखा जाएगा कि क्या ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये बिजनेस के लिए किया गया है. तो अथॉरिटी उस बेस पर डिसाइड करेगी. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है जहां इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं होती, जहां फैक्ट फाइंडिंग करनी है कि परचेजेस जो की गई वो जेन्युइन है या बोगस है, यहां कोई इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं है. सो अगर परचेजेस बोगस हैं तो असेसमेंट में डिसअलाउ हो जाएंगी. सो दो तरह के क्वेश्चन पर एडिशन होती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है क्वेश्चन इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल, वेदर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस
is a revenue expenditure allowable under 37(1) of the Act? इसका कोई आंसर नहीं है, इंटरप्रिटेशन करनी है, कहीं ढूंढ कर यह आंसर नहीं मिलेगा, कोई फैक्ट फाइंडिंग आंसर नहीं मिलेगा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है विच इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स वेदर परचेजेस मेड बाय द सेसी आर बोगस और नॉट. अच्छा बताइए, इनकम मिस्टर ए की है या मिसेस ए की है, ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. ये इनकम मिस्टर ए की है या मिसेस ए की है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कोई इंटरप्रिटेशन थोड़ी इन्वॉल्व है. ये तो आपको पता करना है ये इनकम वाकई में किसकी है, फैक्ट फाइंडिंग करनी है. ये इनकम असेसमेंट ईयर 1819 की है, 1920 की है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. सो इनकम ए की है, मिसेस ए की है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. इनकम असेसमेंट ईयर 1819 की है, 1920 की, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. करेंगे सब चीज. आप एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते हैं सीआईटी अपील्स में, आईटी एटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट. सीआईटी अपील्स अपना ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 250, आईटी एटी ऑर्डर पास करता है 254 में, हाई कोर्ट ऑर्डर पास करता है 260A में, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है 262. आप बस एक रेमेडी और होती है कि अपील ना करके आप 264 में चले जाइए, ठीक है, जहां सीआईटी 264 में रिवीजन करता है. जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है आप रेज कर सकते हैं ओनली अप टू आईटी एटी. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी रेज इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि जजेस का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यह पता करने में कि परचेसेस बोगस है या नहीं. सो आईटी एटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी. आईटी एटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी. सो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैन बी रेज्ड ओनली अप टू द लेवल ऑफ आईटी एटी. एक होता है आपका मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट. ये ऐसा क्वेश्चन होता है जहां इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स. फैक्ट्स चेंज होंगे, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी. सब्सिडी, सब्सिडी का क्या नेचर है, क्या ट्रीटमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सिडी. अगर सब्सिडी एसेट के लिए है तो कॉस्ट से कम करेंगे हम, अगर सब्सिडी एसेट के लिए नहीं है तो पीजीपी इनकम है. तो ये क्वेश्चन ऑफ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, जहां इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट चेंज होंगे, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी. मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स को हम क्वेश्चन ऑफ लॉ ही मानते हैं. मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स को हम क्वेश्चन ऑफ लॉ ही मानते हैं, एंड देयरफॉर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी रेज इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट होता है वेर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आर इंटर रिलेटेड, दैट इज इंटरडिपेंडेंट. इट इज अ क्वेश्चन वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इज अ रिकैप रिसीट, रेवेन्यू रिसीट. हेयर इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सिडी. A mixed question of law and facts is treated as question of law only. Therefore, it can be raised in the High Court, Supreme Court. ITAT is the final fact-finding authority. So, AO against appeal ki CIT appeals, ITAT, High Court, Supreme Court. CIT appeal mein aap raise kar sakte hai question of law, question of fact.
आईटीटी में रेस कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हाई कोर्ट में रेस कर सकते हैं ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट में रेस कर सकते हैं ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ. सो ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी रेज बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैन बी रेज ओनली अप टू द आईटीटी. बट मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट को हम मानते हैं एक क्वेश्चन ऑफ लॉ ही मानते हैं एंड इट कैन बी रेज इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. आपने एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की, सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. अब बताइए ऑर्डर्स किस किस को भेजे जाते होंगे. एक कॉपी एसएससी को जाती है और एक कॉपी एओ को जाती है. नो, एज पर लॉ इन सभी ऑर्डर्स की एक कॉपी जाएगी एसएससी को और एक कॉपी जाएगी सीआईटी को. ये लॉ में लिखा हुआ है, आपको तीन चार लेक्चर बाद हर जगह लिखा मिलेगा. हम ये सेक्शंस करेंगे, यहां लिखा होगा कि सीआईटी पील्स अपने ऑर्डर की कॉपी भेजेगा ससी को एंड टू द सीआईटी, आईटीटी अपने ऑर्डर की कॉपी भेजेगा टू द एसएससी एंड सीआईटी, हाईकोर्ट अपने ऑर्डर की कॉपी भेजेगा टू द एसएससी एंड सीआईटी. ये अपील के सेक्शन में लिखा हुआ है. और सीआईटी फिर क्या करता है, एओ को फॉरवर्ड कर देता है. सो बेसिकली सीआईटी के अंदर 20 एक एओज होते हैं. सो सारे ऑर्डर सीआईटी के पास आते हैं और सीआईटी इन टर्न एओ को फॉरवर्ड करता है. तो ये सारी अथॉरिटीज अपने ऑर्डर भेजती है टू द एसएससी एंड टू द सीआईटी. मान लीजिए ये ऑर्डर्स रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाते हैं. मान लीजिए ये ऑर्डर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आईटीएटी ने ऑर्डर पास किया 30 जून 2021 को और सीआईटी को मिला, एसएससी को मिला 31 दिसंबर 2021 को? पॉसिबल है. आईटीएटी अपना ऑर्डर पास कर दिया, उसने जो आईटीटी में क्लर्क्स है वो ऑर्डर भेजना भूल गए. सो ये बहुत कॉमन होता है कि जो डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर होती है एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर बाय द सीआईटी और बाय द एसएससी इज इनवेरिएबली डिफरेंट. आप कहेंगे मैं सब क्यों करवा रहा हूं, थोड़े समय में आपको समझ में आ जाएगा. सो ये सारे ऑर्डर्स बाय पोस्ट भेजे जाते हैं टू द एसएससी एंड टू द सीआईटी. सीआईटी इन टर्न ये ऑर्डर फॉरवर्ड कर देते हैं अपने रिस्पेक्टिव एओस को. डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 250 सीआईटी पील्स, 254 आईटीएटी, 260 हाई कोर्ट, 262 सुप्रीम कोर्ट एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर बाय कमिश्नर आर इनवेरिएबली डिफरेंट. ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया 30 जून 2021 को, एसएससी को और सीआईटी को मिला 31/12/2021 को. अच्छा 263 में कमिश्नर ऑर्डर पास करता है और फिर कमिश्नर अपना ऑर्डर एक तो एसएससी को पोस्ट कर देता होगा और एक खुद को पोस्ट करता होगा और फिर उसे एनवलप मिलता होगा, खोल के देखता होगा कि मिल गया मुझे. ऐसा नहीं होता. तो कहने से कि 263-264 ऑर्डर रिवीजन जिस दिन वो पास करता है दैट इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर बाय द सीआईटी. आप कहेंगे उल्टी सीधी बात है, क्यों कर रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा आपको बहुत जल्दी. रिवीजन अंडर सेक्शन 263-264 डेट ऑन विच ऑर्डर अंडर 263-264 इज पास बाय द सीआईटी is the date of receipt of the order by the CIT. चलिए वापस आते हैं.
पेज 89 पर आइए, सेक्शन 150, इसका सबसेक्शन 2 छोड़ दीजिए और इसका जो सबसेक्शन 1 है हम एनालिसिस से करते हैं। 150 कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग 149, तो 149 की जो टाइम लिमिट है 3 साल 10 साल हम ओवररूल कर देते हैं, 148 नोटिस कभी भी भेज सकते हैं, 148 नोटिस कभी भी भेज सकते हैं। तो ये कहते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 149, तो जो हमने 149 में टाइम लिमिट्स लिखी हुई हैं थ्री इयर्स 10 इयर्स वो सब इररेलेवेंट है। द नोटिस अंडर 148 में बी इशूड एट एनी टाइम, 148 नोटिस कभी भी दे सकते हैं हम, किसको, किसी को भी, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन। और ये क्यों हो रही है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और टू गिव इफेक्ट टू अ फाइंडिंग और डायरेक्शन कंटेन इन एन ऑर्डर पास बाय एन अथॉरिटी इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट बाय वे ऑफ अपील रेफरेंस रिविजन और बाय अ कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर एनी अदर लॉ। इसे आप एनालिसिस से करेंगे, इसे हम एनालिसिस से करेंगे। पेज 107 सेक्शन 150 कहता है नो टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर 148। एक्सेप्शन टू द टाइम लिमिट गिवन इन 149(1). तो अब आप इस तरह पढ़िए 262 सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं 262। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया मिस्टर ए के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर ए के केस में ऑर्डर पास किया और कहा कि डिडक्शन डिसअलाउड है। एक एग्जांपल लेता हूं, एक्चुअल एग्जांपल, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया लिबर्टी इंडिया में, लिबर्टी इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ATIA डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अभी तक सब लोग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पर ATIA क्लेम करते थे। इस जजमेंट के आने के बाद हिंदुस्तान में जितने लोगों ने ATIA क्लेम की थी ऑन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, उन सब के केसेस खोल दिए गए और 148 नोटिस कैन बी इश्यूड एट एनी टाइम हियर। यानी अगर 12 साल पुराना केस भी है तो केस खुल जाएगा आपका। और यहां इनकम कितनी है, इट इज इररेलेवेंट। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 149, सो ओवररूलिंग द टाइम लिमिट्स 3 इयर्स 10 इयर्स जो हमने किए थे 149 में। अ नोटिस अंडर 148 में बी इश्यूड एट एनी टाइम, नोटिस कभी भी दे सकते हैं, किसको, सबको, सबको, पूरी इंडिया को, फॉर द पर, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट, असेसमेंट रीअसेसमेंट करें किस लिए, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द फाइंडिंग डायरेक्शन कंटेन इन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 262। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में फाइंडिंग थी कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पर ATIA नहीं मिलेगी और जिन लोगों ने अब क्लेम किया था ATIA उनको हम असेसमेंट भी असेसमेंट करेंगे, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फाइंडिंग डायरेक्शन गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर।
सो एनालिसिस का पॉइंट ए पढ़िए। अ नोटिस अंडर, सो मैंने सारे अलग अलग अथॉरिटी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहले ले लिया, सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें लिखा है 250, 254, 268, 262, 63, 64, मैंने सिर्फ लिया अभी सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसअलाउ कर रहा है तो यस, पूरी इंडिया के केसेस खोल सकते हैं आप, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट प्रैक्टिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं 6 साल तक, और 6 साल पुरानी बुक्स तो असस्सी के गमे पर है ही नहीं। इवन जो आपने 149 पढ़ा कि 10 साल तक केस खुल सकते हैं 3 साल बाद, वहां क्या लिखा है कि 50 लाख या उससे ज्यादा इनकम एस्केप हो गई है और उसका एविडेंस ही उनके पास है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा ATIA रिकम्प्यूट की जाएगी, वो तो तभी कर सकते हैं जब उस साल की रिटर्न मिलेगी एओ को, आज मिल जाएगी बिकॉज रिकॉर्ड सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, रिटर्न फाइलिंग 2007 से इलेक्ट्रॉनिक चल रही है सारी। अ नोटिस अंडर 148 कैन बी इश्यूड एट एनी टाइम फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट, रीअसेसमेंट अंडर 147 इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, और इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द फाइंडिंग ऑफ डायरेक्शन कंटेन इन द ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 262। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर एंडेड 31st March 1983, द असेसियस क्लेम्ड एन इनकम टू बी एग्जेम्प्ट, एक्सपेंडिचर टू बी अलाउएबल। द ईओ हैड एक्सेप्टेड असेसियस कंटेंशन। इन ईयर 2021, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केस ऑफ सम अदर असेसी, इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट, एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउएबल। तो अब इस फाइंडिंग डायरेक्शन को इफेक्ट देने के लिए यह केस खुल सकता है, कितना भी पुराना केस हो। प्रैक्टिकली एओ खोल नहीं पाएगा, रिकॉर्ड्स होंगे ही नहीं, रिकॉर्ड्स होंगे ही नहीं। द नोटिस अंडर 148 कैन बी इश्यूड टू द असोसिएट एनी टाइम टू टैक्स द इनकम और डिसअलाउ द एक्सपेंडिचर इन असेसमेंट 83-84। Notice under 148 shall be sent to all assessees who have claimed such income to be exempt, such expenditure to be allowable. Notices shall be sent for all assessment years in which such income was claimed to be exempt or expenditure was claimed to be allowable. But practically, khol nahi paate, records hote nahi. Ab kisne ATIA claim ki thi 20 saal pehle, pata hi nahi. नोटिस अंडर 148 कैन बी इश्यूड एट एनी टाइम। प्रैक्टिकली द एओ कैन इश्यू नोटिस अंडर 148 प्रोवाइडेड द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद हिम फॉर द असेसमेंट ईयर व्हिच इज प्रपोज्ड टू रीओपन अंडर 147। नीचे फुटनोट में लिखा हुआ है कि असेसी को बुक्स मेंटेन करनी होती 6 साल की, देयरफॉर प्रैक्टिकली ही कैन इश्यू नोटिस ओनली फॉर द असेसमेंट ईयर जिसके रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। असेसी तो 6 साल बाद कहेगा मैंने रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिए, सो प्रैक्टिकली द एओ कैन इश्यू द नोटिस अंडर 148 प्रोवाइडेड द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद हिम फॉर द असेसमेंट ईयर व्हिच ही प्रपोजेस टू रीओपन अंडर सेक्शन 147। यहां लिखा है कि नोटिस कभी भी दे सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में एक सेक्शन पढ़ेंगे 153(6) नेक्स्ट क्लास में, जहां लिखा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कमिश्नर को मिल जाएगा। मैंने बताया सारे ऑर्डर्स कमिश्नर को भेजे जाते हैं, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कमिश्नर को मिलेगा उस मंथ के एंड में आ जाइए, उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंदर एओ को 147 कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो हम देखेंगे लॉ में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक लॉ में लिखा है कि नोटिस 148 का कभी भी दे सकते हैं, यानी 2025 में भी दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। 153(6) पढ़ेंगे जहां लिखा है कि इस वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कमिश्नर को मिल जाएगा
उस महीने के एंड में आ जाइए, वहां से 12 महीने के अंदर एओ को 147 कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर इस 12 महीने से पहले ही एओ को 148 इशू करना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 153(6) नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन दिस केस द असेसमेंट रीअसेसमेंट अंडर 147 कैन बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिसीव्ड बाय द सीआईटी। देयरफॉर नोटिस अंडर 148 मस्ट बी इशूड बिफोर द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन 153(6). असेसमेंट करने का जो टाइम है उससे पहले ही नोटिस देगा। क्लियर है? अब पढ़ते हैं हाई कोर्ट। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 149 हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसअलाउ कर दिया तो क्या पूरी इंडिया के केसेस खोल देंगे? या सेक्शन को पढ़ने से तो यही लगता है। तो हाई कोर्ट ने कुछ डिसअलाउ कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ डिसअलाउ कर दिया, आप पढ़ते हैं। सो फाइंडिंग डायरेक्शन है बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर में कि यह डिसअलाउबल है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 149, अ नोटिस अंडर 148 में बी इशूड एट एनी टाइम। किसको? सबको। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द फाइनल डायरेक्शन कंटेन्ड इन एन ऑर्डर पास अंडर 260 हाई कोर्ट। तो क्या हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ डिसअलाउ कर दिया तो सारी इंडिया के केसेस खोल देंगे? नो। प्रैक्टिकली हाई कोर्ट जजमेंट के बेसिस पर केस नहीं खोले जाते। हाई कोर्ट जजमेंट के बेसिस पर केस नहीं खोले जाते अगर हाई कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट अपील चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसअलाउ कर दिया असेसी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तो अगर हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट असेसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है फिर हाई कोर्ट बेसिस पर केस नहीं खोला जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है डिसअलाउड, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है अलाउड। तो अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स डिफरेंट व्यूज दे रहे हैं तो भी केस नहीं खोले जाते ऑन द बेसिस ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। हां, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है डिसअलाउड, कहीं कोई और कोर्ट डिफरेंट जजमेंट नहीं दे रहा और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं गई है, तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट के बेसिस पर केस खोल सकते हैं, बट केस खोल सकते हैं ओनली ऑफ द असेसीज जो मुंबई में रहते हैं। यस, तो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट के बेसिस पर केस खुल सकते हैं ओनली द असेसीज जो उस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। सो ये बड़ा अनफेयर होगा, जैसे मैं दिल्ली में हूं, मेरा भाई मुंबई में है, दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया, उसका केस 147 में खोल देंगे, मेरा नहीं खोलेंगे, लुक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट लॉ है, ये पावर है। इसलिए करा रहा हूं ये सब, पेज 125 पर देखिए, क्वेश्चन 7 जो नवंबर 17 में आया था, एबीसी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम इन विच अ क्लेम फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 वाज मेड। द केस वाज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी असेसमेंट
an order under 143(3) was passed reducing the claim for deduction under Chapter 6A after 10 years. From the end of the relevant assessment year, a notice was issued under 148 giving reasons that as a result of a subsequent High Court judge decision which shows that deduction was excessively allowed in this case. Kya 10 saal baad case khul sakta hai? Answer is, so issue wale ki kya 10 saal baad case khul sakta hai? Section 150 lag jayega, jo kehta hai ki notice under 148 can be issued at any time where assessment reassessment is made in consequence of or in order to give effect to the finding or direction of the High Court under Section 268. However, the procedure laid down in 148A needs to be followed after obtaining the approvals jo hai aapke. So, yahan par notice 10 saal baad de sakte hain because of Section 150. So, that is why main ye law itna extensively karata hoon aapko. Analysis dekhiye page 107. A notice under Section 148 can be issued at any time for the purpose of making assessment, reassessment under 147 in consequence of or in order to give effect to the finding direction contained in an order of High Court passed under Section 268. Normally, ये जो मैंने लिखा है ना पहली बार नॉर्मली द नोटिस अंडर 148 इज नॉट इश्यूड ऑन द बेस ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट. ये आपको मैं लिखा दिखाऊंगा एक बोर्ड के सर्कुलर में जो आप करेंगे दो तीन क्लास बाद 234 ABC में. नॉर्मली नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज नॉट इश्यूड ऑन द बेस ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट passed under 260. Normally, khulte nahi hai case. If the High Court has disallowed a deduction, tax or receipt, and no appeal is filed against the order of High Court to the Supreme Court, koi appeal nahi file kiya apne, and there is no contrary decision of any other High Court, or kisi bhi aur High Court ne contrary decision nahi diya hai, toh case khol sakte hai. Then the AO can issue the notice under 148. But the notice under 148 shall be issued for the purpose of making assessment, reassessment under 147 in order to give effect to the finding or direction of the High Court under 268 disallow karne ke liye. But the notice under 148 in such a situation can be issued only to the assessees who fall in the jurisdiction of the High Court giving the judgment. Agar Bombay High Court judgment hai, तो बॉम्बे में जो लोग बिजनेस करते हैं जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई है उनके केस खोल सकते हैं. एज पर सेक्शन 150 द नोटिस अंडर 148 कैन बी इश्यूड एट एनी टाइम. इन सच अ केस एओ विल डिसअलाउ एक्सपेंडिचर और टैक्स अ रिसीट ऑन द बेस ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट. और अब असेसी चाहे तो क्या कर सकता है, फिर अपील करेगा अगेंस्ट 147 टू सीआईटी अपील्स, आईटीटी हाई कोर्ट और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा. द असेसी कैन देयर आफ्टर फाइल एन अपील टू सीआईटी अपील्स, आईटीटी हाई कोर्ट एंड देन टू सुप्रीम कोर्ट. और जब हाई कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया था तो सीआईटी अपील्स, आईटीटी हाई कोर्ट भी डिसअलाउ करेंगे. प्रैक्टिकली द एओ कैन इश्यू नोटिस अंडर 148 प्रोवाइडेड द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल विद हिम फॉर द असेसमेंट ईयर which he proposes to reopen under 147. तो अभी तक हमने पढ़ा कि नोटिस इनडेफिनेटली दे सकते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे 153(6) जो कहेगा ये हाईकोर्ट ऑर्डर जिस महीने कमिश्नर को मिलेगा उस मंथ के एंड में आ जाइए, वहां से 12 महीने के अंदर एओ को 147 ऑर्डर पास करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर जो नोटिस है 148 का शुड बी इशूड प्रायर टू दिस 12 मंथ्स लैप्सिंग.
as per section 153(6), the assessment, reassessment in this case will be made before the expiry of 12 months from the end of the month in which High Court order is received by the Commissioner. Therefore, the notice under 148 must be issued before the time limit for passing the order under 147, which we will next class mein padhenge. वापस आई. अब दोबारा पढ़ते हैं क्या क्या बचा. 250 सीआईटी अपील्स, 254 आईटीएटी, 263-64 कमिश्नर. बताइए सीआईटी अपील्स ने एक डिडक्शन डिसअलाउ कर दी, क्या आप पूरी इंडिया के केस खोल देंगे? क्या जिस स्टेट में सीआईटीपीएस बैठा उसकी केस खोल देंगे? क्या पूरे वार्ड के केसेस खोल देंगे? क्या असेसी के केसेस खोल देंगे? नो. अगर आईटीएटी कुछ डिसअलाउ कर रहा है तो क्या पूरी दिल्ली आईटीएटी डिसअलाउ कर रहा है तो क्या पूरे दिल्ली के केसेस खोल देंगे आप? नो. बट पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है. अगर हम पढ़ें लॉ क्या कह रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 149, अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 मे बी इशूड एट एनी टाइम फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द फाइनिंग ऑफ डायरेक्शन कंटेन इन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, 254, 263, 264. इसकी सही इंटरप्रिटेशन सुनिए. इधर देखिएगा, असेसमेंट ईयर 4-5 के लिए मिस्टर ए मिसेस ए ने रिटर्न फाइल की थी 8,00,650 रिस्पेक्टिवली, बट एओ बोला कि 3,00,000 की इनकम मिस्टर ए की है जो इसने डाइवर्ट किए मिसेस ए को. सो एओ ने 143(3) में 3,00,000 एडिशन कर दिया, इधर 3,00,000 डिलीशन कर दिया और इनकम असेस की 11,00,350. अपील कौन करेगा, मिस्टर ए मिसेस ए? मिसेस ए को तो उल्टा रिफंड मिल गया होगा. मिस्टर ए ने अपील फाइल की सीआईटी अपील्स को, जिसका ऑर्डर आया 1/112 को और उसने 2,00,000 की इनकम डिलीट कर दी और कहा ये इनकम मिसेस ए की है. डिपार्टमेंट अपील में चला गया, डिपार्टमेंट ने आईटीटी में अपील फाइल कर दी और आईटीटी ने अपना ऑर्डर पास किया 1/22 को और कहा यस 2,00,000 यहां नहीं असेस होगा, 2,00,000 मिसेस ए का ही है. ठीक है, एंड दिस ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द सीआईटी ऑन 3/3/22. सो मिस्टर ए मिसेस ए ने असेसमेंट 4-5 में अपील रिटर्न फाइल की थी 8,00,650. 143(3) हुआ था 2005 में जहां ए ने 3,00,000 एडिशन कर दिया, यहां डिलीशन कर दिया, उसने कहा कि ये इनकम मिस्टर ए के जो इसने डाइवर्ट की है. अब ए ने यहां इनकम 11,00,000 असेस की, यहां 350 की, यहां रिफंड दे दिया और
मिस्टे यानी अपील की सीआईटीपीएस में, अपील में 7 साल लग गए, डिसाइड हुआ कि 2 लाख, 2 लाख यहां ए का नहीं है, मिसेज ए का है, डिपार्टमेंट आ गया अपील में चला गया, और आईटीटी ने 1 to 22 को कहा कि 2 लाख डज नॉट बिलोंग टू मिस्टर ए, इट बिलोंग्स टू मिसेज ए। सो आईटीटी ने 2 लाख मिस्टर ए से डिलीट कर दिया, आईटी ने 2 लाख मिस्टर ए से डिलीट कर दिया। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अब एओ मिस्टर ए की इनकम 11 - 2 = 9 लाख कर देगा, अपील इफेक्ट दे देगा। अब देखिए मिसेज ए की इनकम एस्केप हो गई या नहीं? यस। सो आईटीटी की फाइंडिंग है ये इनकम मिसेज ए की है एंड देयरफॉर इनकम इज एस्केप्ड असेसमेंट। तो अब मिसेज ए 10 साल बीत चुके हैं, इनफैक्ट इनकम सिर्फ कितनी है 2 लाख है, बट यहां 149 नहीं लगेगा, ओवररूल हो गया है, 150 लग जाएगा। और मिसेज ए को नोटिस हम कभी भी दे सकते हैं टू टैक्स द एस्केप्ड इनकम ऑफ 2 लाख। अच्छा, मैंने बताया था 153(6) है जो कहता है ये ऑर्डर जब कमिश्नर को मिला, सारे ऑर्डर्स कमिश्नर को भेजे जाते हैं, उसके एंड ऑफ द मंथ 31 मार्च 2022, वहां से 1 साल तक 31 मार्च 2023 तक एओ को 147 कंप्लीट करनी पड़ेगी मिसेज ए की। तो 148 नोटिस मिसेज ए में कब तक देगा एओ? बिफोर 31 मार्च 2023। तो देखिए यहां 149 वगैरह सब कुछ ओवरऑल हो गया है, 150 लग जाए। तो ये तब होता है जब सीआईटीपीएल्स आईटीटी के ऑर्डर में डायरेक्शन है ये इनकम इसकी नहीं इसकी है, उस वजह से इनकम एस्केप कर गई। तो आप 148 कभी भी दे सकते हैं सब्जेक्ट टू 153(6) जहां ऑर्डर पास करो तो 12 मंथ्स में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बस। क्लियर है ये? देखिएगा पेज 108 पॉइंट सी, अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इश्यूड एट एनी टाइम फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट अंडर 147 इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द फाइनल डायरेक्शन कंटेन इन द ऑर्डर पास अंडर 250, 254, 263, 264, ये सिर्फ 2 केस में हो सकता है जहां इन ऑर्डर्स में डायरेक्शन है ये इनकम मिस्टर ए की नहीं मिसेज ए की है। इन ऑर्डर्स में डायरेक्शन ये इनकम इस असेसमेंट डे की नहीं इस असेसमेंट डे की है। बताइए मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इनकम मिस्टर ए की है मिसेज ए की है, इनकम असेसमेंट या 1 या असेसमेंट या 2 की है, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये तो हाईकोर्ट के पास जाता ही नहीं है। दिस विल बी फॉर स्पेसिफिक केसेस एंड विल नॉट अप्लाई जनरली टू ऑल असेसेस, दिस अप्लाइज ओनली इन द फॉलोइंग 2 केसेस जहां इन ऑर्डर्स में डायरेक्शन है ये इनकम इसकी नहीं इसकी है, ये इनकम इस असेसमेंट की नहीं इस असेसमेंट ईयर की है। कौन से 2 केसेस? वेयर बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 250 सीआईटी अपील्स, 254 आईटीएटी, 63(64) कमिश्नर, क्या होता है एनी इनकम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द असेसी फॉर एन असेसमेंट ईयर, अभी इलस्ट्रेशन 2 करेंगे हम, एंड इज हेल्ड विद द इनकम ऑफ द असेसी फॉर अनदर असेसमेंट ईयर। ये ऑर्डर्स में लिखे इनकम इस साल की नहीं इस साल की है। या फिर वेयर बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, 254, 63, 64 एनी इनकम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम 1 पर्सन एंड इज हेल्ड टू बी द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल ने कहा 2 लाख मिस्टर ए से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये मिस्टर ए की इनकम है। एज पर 153(6)
assessment, reassessment in this case can be made before the expiry of 12 months from the end of the month in which order is received by the CID or passed by the CID, as the case may be. Therefore, the notice under 148 must be issued before the time limits specified in 153(6). देखिए यही वाला क्वेश्चन जो मैं करा रहा था, मिसेस ए एंड मिस्टर ए फाइल आरओआई फॉर 4-5 डिक्लेयरिंग इनकम ऑफ 658 लाख रिस्पेक्टिवली. The AO under 143(3) assessed the income of 811 lakh and Mrs. A at 350. AO in his order states at 3 lakh income, which has been shown as income of Mrs. A, really belongs to Mr. A, and Mr. A has diverted the income to Mrs. A. The assessee, Mr. A, files an appeal to CID Appeals, who by his order passed under 250 dated 1/1/12 deletes the addition of 2 lakh and holds that income of 2 lakh belong to Mrs. A. But abhi case nahi khola jayega kyunki aage appeal chali gayi hai. The AO filed an appeal to ITT against the order of CID Appeals, and ITT by its order passed under 254 dated 1/2/22 confirms the order of CID Appeals, and order of ITT is received by the Commissioner on 3/22. ये केस आगे हाईकोर्ट में नहीं जा सकता. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये, तो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग आ गई कि 2 लाख की इनकम मिसेस ए की है. अब देखिए ट्रिब्यूनल जो है मिसेस ए को थोड़ी असेस कर सकता है, ट्रिब्यूनल तो एक जज है जो डिसाइड करता है ये इनकम किसकी होनी चाहिए थी. सो मिस्टर ए के केस में तो अपील इफेक्ट देखिए 2 लाख इनकम कम कर देंगे और मिसेस ए की रीअसेसमेंट की जाएगी. Now, as per the finding, direction contained in the order of ITAT passed under 254, the income of 2 lakh of Mrs. A for assessment of 4-5 has escaped assessment. Therefore, notice under 148 for assessment year 4-5 can be issued to Mrs. A at any time as per the provisions of section 150. As per 153(6), AO को अपना ऑर्डर पास करना होगा 147 में बाय 31 मार्च 2023, एंड देयरफॉर नोटिस अंडर 148 शुड बी इश्यू टू मिसेज ए मच बिफोर 31 मार्च 2023. यहां 50 लाख की लिमिट नहीं देखेंगे बिकॉज 150 ओवरराइड्स सेक्शन 149. तो इनकम शिफ्टिंग फ्रॉम वन असेसी टू एनदर असेसी. दूसरा केस देखिए क्या होता है. असेसी ने असेसमेंट या 4-5 में 5 लाख की रिटर्न फाइल की. उसे एक एडवांस है वो था 3 लाख का, जो उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल था. एओ ने मानी नहीं बात, उसने कहा एडवांस को मैं इसी साल में टैक्स करूंगा और इनकम 8 लाख टैक्स कर दी. असेसी ने असेसमेंट 5-6 में ये 3 लाख शो नहीं किया, बट असेस ने यहां अपील फाइल कर दी थी सीआईटी अपील्स में. सो असेस ने अपील फाइल कर दी और 5-6 जब रिटर्न फाइल की थी ये 3 लाख इनकम नहीं दिखाई. असेसी अपील में चला गया था और सीआईटी अपील्स ने अपना ऑर्डर पास किया
1622 को और कहा कि इस 3 लाख में से 2 लाख इस साल को बिलोंग नहीं करता, 2 लाख नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। ठीक है, और ये ऑर्डर सीआईटी को रिसीव होता है, सारे ऑर्डर सीआईटी को भेजे जाते हैं 20/6/22। अब देखिए सीआईटी पीस के ऑर्डर में फाइंडिंग है, ये इनकम यहां से हटाई जाए, यहां टैक्स की जाए, तो यहां तो हटा देंगे अपील इफेक्ट देकर, हम नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे पढ़ेंगे। सो एओ इस साल की इनकम चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली 8 लाख से 6 लाख कर देगा बाय गिविंग अपील इफेक्ट, और ये साल आपका 147 में खोला जाएगा। एज पर 150 नोटिस कैन बी इशूड एट एनी टाइम, एज पर 153(6) एओ को असेसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी बाय 30 जून 2023, एंड देयरफॉर नोटिस अंडर 148 मस्ट बी इशूड बिफोर दिस डेट ओनली, मच बिफोर दिस डेट। सो ये क्या केस है, इनकम शिफ्टिंग फ्रॉम वन असेसमेंट ईयर टू अनदर असेसमेंट ईयर। असेसी फाइल ROI फॉर असेसमेंट ईयर 4-5 डिक्लेयरिंग एन इनकम ऑफ 5 लाख, द EO अंडर 143(3) असेस द इनकम एट 8 लाख। इग्नोरिंग द प्ली ऑफ द असेसी दैट 3 लाख इज एडवांस मनी रिसीव्ड विच इज टैक्सेबल इन असेसमेंट 5-6, द असेसी डिड नॉट इंक्लूड द सेट 3 लाख इन ROI ऑफ असेसमेंट 5-6। असेसी फाइल्स एन अपील टू सीआईटी अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एओ फॉर असेसमेंट 4-5। द सीआईटी अपील्स बाय हिज ऑर्डर अंडर 250 डेटेड 1622 डिलीटेड एडिशन ऑफ 2 लाख फ्रॉम असेसमेंट 4-5 एंड गिव अ फाइंडिंग दैट सेड 2 लाख बिलोंग्स टू असेसमेंट 5-6। तो हम देखेंगे असेसमेंट 4-5 की एओ असेसमेंट ठीक करेगा बाय गिविंग अपील इफेक्ट, इनकम 8 लाख से 6 लाख कर देगा बाय गिविंग अपील इफेक्ट, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। और असेसमेंट 5-6 की 3 लाख इनकम एस्केप, 2 लाख इनकम एस्केप हो गई है, वो केस खोला जाएगा, चाहे 10 साल बीत गए हैं, 150 कहता है एट एनी टाइम। Therefore, in consequence of, so CIT appeals by his order dated 1622 under 250 deleted addition of 2 lakh from assessment of 4-5 and gave a finding that said 2 lakh belongs to assessment of 5-6. The order of CIT appeals is received by the commissioner on 20th June 22. Therefore, in consequence of order passed under 250, the income of rupees 2 lakh for assessment 5-6 has escaped assessment. Therefore, the notice under 148 can be issued at any time for assessment 5-6 as per provisions of 150. As per 153(6), so next class we are going to get the reassessment under 147 can be made up to 30th June 23. Notice usse pehle hi diya jayega. तो देखिए 150 में पेज 107 आप 3 साल 7 साल कुछ नहीं देखेंगे, इनकम कितनी भी एस्केप हुई हो नोटिस इश्यू हो सकता है इवन आफ्टर 10 ईयर्स। ओनली थिंग इज ईओ को 148 फॉलो करना पड़ेगा, 148 ए फॉलो करना पड़ेगा और जो अप्रूवल्स है वो लेनी पड़ेगी। लॉ कहता है कि ओवररूलिंग द टाइम लिमिट्स गिवन इन सेक्शन 149(1) नोटिस हम कभी भी दे सकते हैं,
अगर 147 की जा रही है बिकॉज ऑफ फाइंडिंग डायरेक्शन गिवन इन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसअलाउ कर दिया, आप पूरी इंडिया में जिन लोगों ने एक्सपेंस क्लेम किया था उनके केसेस खोल सकते हैं इनडेफिनेटली। बट प्रैक्टिकली असेसी के पास तो 6 साल के रिकॉर्ड्स होते हैं, और डिपार्टमेंट अगर पुराने केसेस खोलना चाहता है तो उसके पास रिकॉर्ड्स होंगे तभी वो खोल पाएगा। मेरे फादर ने आज से 20 साल पहले ATIA क्लेम की थी, किसको मालूम, AO को भी नहीं मालूम होगा। ये तो बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस वगैरह है, उनके रिकॉर्ड्स ये लोग रखते हैं, तो बड़े केसेस खुल जाते हैं, बिग केसेस। नंबर टू, हाई कोर्ट कुछ डिसअलाउ करता है तो केसेस खोल सकते हैं उस डिसीजन के बेसिस पर, अगर आगे अपील नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट में और उस हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्री डिसीजन नहीं है। बट केसेस आप खोल सकते हैं ओनली उन असेसिस का जो उस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। यहां पर भी लॉ में लिखा है कि केसेस नोटिस कितने साल भी दे सकते हैं, 20 साल पुराने भी केस खोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट केस तब खोल पाएगा जब उनके पास रिकॉर्ड्स होंगे। रिकॉर्ड्स असेसी 6 साल तक मेंटेन करता है, उससे पुराने में रिकॉर्ड्स अगर होंगे भी तो मना कर देगा नहीं है, और डिपार्टमेंट पास अगर 6 साल पुराने रिकॉर्ड्स है तो खोल सकते हैं वो लोग। CIT पील्स, ITAT कमिश्नर, इनके ऑर्डर के बेसिस पर केसेस 2 केस में खुलते हैं, जहां इन ऑर्डर्स में फाइंडिंग डायरेक्शन है इनका मिस्टर ए की नहीं मिसेस ए की है, या डायरेक्शन है इनकम असेसमेंट है 4-5 की नहीं 5-6 की है। जैसे हमने एग्जांपल लिए, तो मिस्टर ए में ट्रिबल ने 2 लाख डिलीट कर दिया और कहा ये मिसेस ए को बिलोंग करता है। अब मिसेस ए का केस कितने साल, 16-17 साल बाद भी खुल रहा है, खुल सकता है एज पर सेक्शन 150। सो CIT पील्स, ITAT कमिश्नर, इनके बेसिस पे केसेस तभी खुलेंगे अगर डायरेक्शन है इनकम इस असेसी की नहीं इसकी है, या फिर डायरेक्शन है इनकम इस असेसमेंट की नहीं इस साल की है। तो अब इस साल का केस कभी भी खोल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू 153(6) जहां 12 महीने में असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है। तो जहां तक 4-5 का सवाल है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि AO अपील इफेक्ट देगा आपको 3 महीने के अंदर और 2 लाख इसमें से कम कर देगा, 6 लाख इनकम निकाल के देगा आपको अपील इफेक्ट में। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि AO यहां से भी इनकम 2 लाख कम कर देगा और इस मिसेज एक केस में 140 इशू कर देंगे। क्लियर है? आइएगा पेज 89, 151A छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं कि हम 147 को भी वेरी सून फेसलेस बना देंगे, जो इतना आसान नहीं इनके लिए।
सो 151A लाया गया है, जहां कह रहे हैं कि हम स्कीम लेके आएंगे, जहां 147 जो पूरा प्रोसेसर है 148 वगैरह का, उसको फेसलेस कर दें। अभी कोई स्कीम नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज, बताइए आज EU 147 कर रहा है 2022 में, असेसमेंट ईयर 12-13 का केस असेस कर रहा है, तो टैक्स रेट्स कौन से लगाएगा रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर के? तो जिस साल को आप खोल रहे हैं 12-13 फॉर एग्जांपल, तो टैक्स रेट्स इसी साल के लगेंगे आप। ये बात 152 कहता है, पेज 90, अदर प्रोविजंस। इन एन असेसमेंट रीअसेसमेंट recomputation made under 147, the tax rates, the tax shall be chargeable at the rates at which it would have been chargeable had income not escaped assessment. तो अगर आप 12-13 के असेसमेंट खोल रहे हैं आज 22 में, तो 12-13 के ही टैक्स रेट्स लगेंगे। नंबर टू, अगर 147 में आपका केस खुल गया और अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आपकी इनकम एस्केप नहीं की गई, या फिर जो इनकम बनती है उस पर ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके हैं, तो 147 प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाएगी। वेयर एन असेसमेंट इज रीओपन अंडर 147, असेसी में if he has not impugned any part of the original assessment order for that year, either under 246, 248, 264, claim that proceeding under 147 should be dropped on his showing that he has been assessed on an income not lower than what he would have been rightly liable for, even if the income alleged to have escaped assessment been taken into account or assessment has been properly made, isko aap chhod sakte hain. इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि नए लॉ में ये बेकार हो चुका है, नए लॉ में ये बेकार हो चुका है, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आज तो 147 करने के लिए आपको प्रॉपर शो कॉज देते हैं, 148A आता है, आपको सुना जाता है, तो वहीं ये बातें कहिए, तो आज इसका रेलेवेंस नहीं है। एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जहां से आपसे पूरा लॉ टेस्ट कर जाते हैं। पेज 122 पर देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो मई 2001 में आया था, मैंने इसे एस पर न्यू लॉ आंसर करने की कोशिश की है। एन असेसमेंट रीओपन्ड अंडर 147 कैन नॉट बी ड्रॉप डिस्कस, कह रहे 147 ने केस को लिया तो ड्रॉप नहीं हो सकता, डिस्कस करिए। हम कह रहे हैं कि 147 प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाएंगी इन द फॉलोइंग केसेस, वेयर प्रोसीडिंग्स अंडर 147 वर स्टार्टेड विदाउट सर्विंग ए नोटिस अंडर 148, प्रोसीडिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी, बिकॉज लॉ में लिखा है कि आपको नोटिस सर्व करना मस्ट है। नंबर टू, वेयर द प्रोसीडिंग्स अंडर 147 वर स्टार्टेड
in persons of a notice issued under 148, which is time barred as per 149(1). आपको 148 आया but time barred है because of 149(1). 3. We are proceeding under 147 was started in persons of a notice issued under 148 without obtaining the sanctions required under 151. Where the AO did not follow the procedure under 148A. Where the assessee proves to the satisfaction of AO that income has not really escaped assessment. या फिर order under 148AD has not been passed within the time prescribed. तो देखिए मैंने नए लॉ से आंसर ढाल दिया. क्वेश्चन 5 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन. एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया, असेसमेंट को अनल कब करेंगे, यानी हायर अथॉरिटी CIT बिल्स वगैरह असेसमेंट को अनल, अनल मतलब वॉइड डिक्लेयर करना. असेसमेंट वॉइड तब डिक्लेयर होती है जब इनकम टैक्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं हुई है. तो देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर पूरा असेसमेंट का चैप्टर पूछ गया आपसे, नवंबर 06. एंड असेसमेंट कैन बी अनल्ड, अनल मतलब डिक्लेयर्ड वॉइड. कौन डिक्लेयर करता वॉइड? CIT, ट्रिब्यूनल वगैरह. वेयर इट इज मेड विदाउट इश्यूइंग अ नोटिस अंडर 143(2) और विदाउट अ शो कॉज नोटिस अंडर 144. Where assessment is made after the time limit specified in 153, इसे elaborate कर सकते हैं आप कि 143(3), 144 की गई after 9 months from the end of the relevant assessment year, 147 की जा रही after 12 months from the end of the financial year in which notice under 148 is served. Where assessment under 143(3) is made on the basis of invalid data, 143(3) तब हो सकती है जब 143(2) दिया जाए. 143(2) तब दे सकते जब रिटर्न हो, रिटर्न इनवैलिड थी तो नोटिस ही नहीं दे सकते थे आप. वेयर असेसमेंट इज मेड अंडर 147 विदाउट इशूइंग अ नोटिस अंडर 148. वेयर असेसमेंट इज मेड अंडर 147 इन पर्सन्स ऑफ अ नोटिस अंडर 148 विच इज इशूड आफ्टर द टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन 149(1). वेयर EO हैज नॉट फॉलोड the procedure under 148A. Where order under 148AD has not been passed within the time prescribed, where assessment under 143(3) is made without issuing 143(2), where 143(3) is made in personal notice which is time barred, where assessment is made under 143(3) in personal notice under 143(2) which is issued to the assessee who has not filed the return. So, अब देखिए सब कुछ उसमें मैंने कवर कर दिया. एक क्वेश्चन और, सेम क्वेश्चन 5 का पार्ट बी. एक मिनट, पार्ट बी से ब्रेक की बात करते प्लीज. जी लर्निंग डेस्टिनेशन विद कंटेंट पार्टनर पैकर प्रेजेंट्स द सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोग्राम CMA. वी आर पार्ट ऑफ द चेंज. लाइव ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. कॉन्टैक्ट CMA@VGLDI.com. Who doesn't want to give ACCAs a trusted qualification for skilled professionals? With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACCA ensures faster progression in your career. Can you please start the class? So before proceeding further, एक concept कराता हूं आपको. AO ने या फिर National Faceless Assessment Center ने 50 लाख के additions कर दिए 143(3) में,
या 144 में या 147 में। आप अपील्स में जा सकते हैं, सीआईटी अपील्स, देन आईटीएटी, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं 264 में अगेंस्ट द ऑर्डर। अब ये हायर अथॉरिटीज की क्या पावर होती है? ये चार तरह के काम करेंगे, या तो एडिशंस को अफर्म कर देंगे कि एडिशंस बिल्कुल ठीक हुई हैं, या फिर एडिशंस को डिलीट कर देंगे, या फिर असेसमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, या फिर असेसमेंट को सेट असाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे एंड रेफर बैक टू एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट। सो हायर अथॉरिटीज चार तरह की पावर्स यूज करती हैं, या तो एडिशंस अफर्म कर देंगी। एडिशंस अफर्म हो गई फिर तो कुछ नहीं होगा, जो एओ ने कहा था बिल्कुल सही कहा था। एडिशंस डिलीट हो गई, सपोज 50 लाख में से 40 लाख की एडिशन डिलीट हो गई, या पूरी 50 लाख की डिलीट हो गई, तो एओ आपको अपील इफेक्ट देता है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सपोज रिटर्न इनकम थी आपकी 60, एओ ने प्लस 50 कर दिया, 110 हो गया, और सीआईटीपीज ने माइनस 40 कर दिया। तो अब एओ अपील इफेक्ट देकर लिखेगा कि मेरा ऑर्डर में मैंने 110 किया था, 40 सीआईटीपीज ने डिलीट कर दिया है, इसलिए मैं इनकम को रीकंप्यूट करके 70 लाख बना रहा हूं। अपील इफेक्ट कहते हैं इसे, करेंगे नेक्स्ट क्लास में। या तो हायर अथॉरिटीज एडिशन अफर्म कर देंगी या डिलीट कर देंगी, या असेसमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगी, जैसे कि 143.3 हुई विदाउट सर्विंग 143.2, या फिर 143.2 दिया गया वो टाइम बार था, 147 हुई विदाउट गिविंग 148, या विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ 148A। तो जहां इनकम टैक्स एक्ट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती हैं, इश्यू ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस, टाइम लिमिट ऑफ नोटिस, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस, असेसमेंट टाइम पे नहीं की गई, उस केस में हायर अथॉरिटीज असेसमेंट वॉइड डिक्लेयर कर देती है। चौथी पावर होती है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट की सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड है, नोटिस सही सर्व किया गया, टाइम पे सर्व किया गया, टाइम पे इश्यू किया गया, असेसमेंट टाइम पे की गई, सब कुछ मतलब सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट सही हैं, बट एओ ने असेसमेंट सही तरीके से नहीं की, उसने ATIA डिडक्शन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके डिसअलाउ नहीं किया, ऐसे डिसअलाउ कर दिया, तो उस केस में हायर अथॉरिटीज असेसमेंट सेट असाइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, और एओ को बोलेंगी असेसमेंट दोबारा करके लाएगी। ठीक है, ये फ्रेश असेसमेंट कैसे होती है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या हुआ, ये जो सीआईटी अपील्स हैं ये काम नहीं करते थे, खाली बैठे रहते थे, दिन में एक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं करते थे। 2001 में, इनफैक्ट 2000 में, 2000 ईयर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनकी प्रमोशन पॉलिसी चेंज कर दी, कहा कि आपकी प्रमोशन तब होगी जब वन मंथ में एटलीस्ट आप 50 अपील्स डिस्पोज ऑफ करते,
तो पहले ये एक महीने में एक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं करते थे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनकी प्रमोशन पॉलिसी चेंज कर दी और कहा कि आपकी प्रमोशन तब होगी जब महीने में आप 50 अपील डिस्पोज ऑफ करेंगे। टू द सरप्राइज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब ये लोग एक महीने में 100 अपील डिस्पोज ऑफ करने लगे। क्या होता था, जो अपील आई सेट असाइड, रेफर बैक टू द आयोग। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि सब अपीलों में सेट असाइड किया असेसमेंट और कहा ये उसे दोबारा करके लाई। और जब फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा कि ऐसा हो रहा है, इन्होंने सीआईटी अपील की पावर चेंज कर दी। हम पढ़ेंगे भी कि सीआईटी अपील्स अब ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, यानी सीआईटी अपील्स कैन नॉट सेट असाइड द असेसमेंट एंड रेफर बैक टू द एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट। अगर असेसमेंट गलत हुई है तो सीआईटी अपील्स खुद बैठ के ठीक करेगा। सो ये पावर सिर्फ सीआईटी अपील्स की खत्म की गई है। 264 में सीआईटी की खत्म नहीं हुई है, आईटीटी की खत्म नहीं हुई है, सिर्फ ये वाली पावर खत्म की गई है सीआईटी अपील्स की। सो सीआईटी अपील्स अमेंडमेंट आई थी लॉन्ग बैक 2001 में कि सीआईटी अपील्स डज नॉट हैव द पावर टू सेट असाइड द असेसमेंट एंड रेफर बैक टू द एओ। अच्छा, हम पास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। पेज 123 क्वेश्चन 5 का पार्ट बी, एन असेसमेंट कंप्लीटेड बाय द एओ वॉज सेट असाइड बाय द आईटीएटी ऑन 1/1/21 विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू री एग्जामिन सर्टन डिसअलाउंसेस। अब एओ जब फ्रेश असेसमेंट करने बैठा, ही डिस्कवर सम अदर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, हाउ शुड ही प्रोसीड टू मेक फ्रेश असेसमेंट। देखिए, जजमेंट्स ये हैं, अगर आईटीएटी ने असेसमेंट सेट असाइड की है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कि स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस एग्जामिन करिए, फिर एओ की पावर रिस्ट्रिक्टेड है, वो आईटीएटी की डायरेक्शन फॉलो करेगा और जो स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस को री एग्जामिन करने के लिए कहा है सिर्फ उनको ही री एग्जामिन करेगा। वो उसके बियॉन्ड फ्रेश असेसमेंट में कुछ नहीं कर सकता। फ्रेश असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद 140 इशू करेगा। बट अगर आईटीएटी सिर्फ असेसमेंट सेटिसफाइड करती, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देती, उस केस में एओ की पावर वाइड है, वो नई इनकम को भी फ्रेश असेसमेंट में टैक्स कर सकता है। आंसर पढ़िएगा पेज 124। द स्कोप ऑफ फ्रेश असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आफ्टर सेटिंग असाइड ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट विल हैव टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर वेयर बाय द अपलेट अथॉरिटी सेट असाइड द असेसमेंट, वेयर द अपलेट अथॉरिटी डायरेक्ट द एओ टू मेक फ्रेश असेसमेंट विदाउट इम्पोजिंग एनी रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस एज टू हाउ द फ्रेश असेसमेंट इज टू बी मेड। एओ हैज द सेम पावर्स इन मेकिंग द फ्रेश असेसमेंट एज ही हैड ओरिजिनली व्हाइल मेकिंग एन असेसमेंट अंडर 143। When original assessment is set aside in total and the AO is asked to do a fresh assessment, AO will have the same powers जो उसके बाद fresh assessment में होती और वो सारी नई income भी assess कर सकता था 143 में। But जहां appellate authority का order specific है कि आप ये वाले examine करिए disallowances, फिर AO बंध जाएगा,
he can make fresh assessment only with respect to those specific disallowances. However, where the order of appellate authority is specific, it is not open to the AO to conduct fresh inquiry beyond the set directions and to proceed to make a fresh assessment without reference to the earlier assessment. Where the order limits the AO's jurisdiction to make fresh assessment with regard to two items only, AO has no power to add any other amount or to make any other additions to assessor's income. In the given question, the assessment has been set aside with a specific direction to re-examine certain disallowances. AO cannot add other incomes which have escaped assessment while making fresh assessment. However, after completing the fresh assessment as per directions of appellate authority, the AO can assess other incomes by issuing a notice under 148 and making an assessment under 147. वापिस आइए कंसेप्ट पर. अभी आपने सेक्शन 150 पढ़ा, जहां सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाती है और कुछ डिसला हो जाता है तो आपके कितने भी साल खोल देते हैं ये लोग. तो अगर आपको कुछ अलाव हो गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस में डिसलाव कर दिया, तो इंडिया में सबके केसेस खोल देंगे पुराने, और कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ इयर्स पर. उल्टा केस देखिए, अगर एओ ने आपको 10 लाख का एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया था, और आपने अपील नहीं की, और आज से 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाता है कि एक्सपेंस अलाउड है, अब आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन सबके टाइम निकल गए और केस कहीं पेंडिंग नहीं है आपका, इसलिए आपको जस्टिस नहीं मिलेगा. इसलिए देखिए, इंडिया में लोग मल्टीपल अपील्स फाइल करते. होता क्या है, असेसमेंट 910, एओ ने मुझे एक्सपेंस ए डिसअलाउ कर दिया, मैं अपील करूंगा सीआईटी अपील्स, देन ITAT, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट ईयर 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, एओ ए डिसअलाउ करता जाएगा, बिकॉज ऑफ बस अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है मेरा, और मुझे हर साल अपील फाइल करनी पड़ेगी. तो देखिए, एक ही इशू पर मेरी मल्टीपल अपील जा रही है, और बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाता है जो अलाउ कर देता है, तो जहां भी मेरा केस पेंडिंग है वो अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अप्लाई करके मुझे अलाउ कर देगी. सपोज मेरा ये वाला केस यहां पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई किसी और केस में कि एक्सपेंस अलाउड है, तो अब ट्रिब्यूनल जब हियरिंग करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अप्लाई करके मुझे अलाउ कर देगा. बट देखिए, क्या हमारी कंट्री का स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि मुझे जस्टिस चाहिए तो केस अपील में रखना पड़ेगा. हम देखेंगे अरुण जेटली ने अवॉइडेंस ऑफ रैपिड अपील्स पर लॉ बनाया, जो आप करेंगे 7-8 लेक्चर के बाद. जनरल कंसेप्ट देखिए, पेज 117. मिस्टर ए, असेसमेंट या 97-98, एओ ने एक डिडक्शन एक्स अलाउ कर दी थी,
और आपने कोई अपील नहीं फाइल की किसी भी इशू पर, 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑफ मिस्टर बी द डिडक्शन एक्ट इज नॉट अलाउबल, सेक्शन 150 लग जाएगा, नोटिस अंडर 148 कैन बी इशू टू मिस्टर ए फॉर अ सस्पेंडेड 9798 टू डिसअलाउ एक्सपेंस एक्स। उल्टा केस देखिए, एओ ने मिस्टर ए असेसमेंट या 9798, एओ ने डिडक्शन एक्स डिसअलाउ कर दी थी बट आपने अपील नहीं की। अगर अपील कर दी होती और अपील पेंडिंग होती और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ जाता तो जो जिसके पास पेंडिंग है वो अथॉरिटी डिसीजन अप्लाई करके केस डिस्पोज ऑफ कर देती, बट अपील नहीं किया आपने। 1322 को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया मिस्टर बी के केस में डिडक्शन एक्स अलाउबल है, 150 तो यूज होगा नहीं बिकॉज 150 इज इनकम स्केपिंग असेसमेंट, ये तो उल्टा केस है। डिडक्शन एक्स कैन नॉट बी अलाउड टू मिस्टर ए सिंस द केस ऑफ असेसमेंट इन 9798 इज नॉट पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रिब्यूनल ऑफ कोर्ट। अगर पेंडिंग होता किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट के पास, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अप्लाई करके आपका केस डिस्पोज ऑफ कर देते। और यहां टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, अपील टू सी आई टी अपील्स, रिविजन अंडर 264 हैव ऑल एक्सपायर्ड, नो रेमेडी टू द असेसी। तो अगर आपको जस्टिस चाहिए तो केस अपील में पेंडिंग रखिए। इसी वजह से इंडिया में मल्टीपल अपील्स होती है। लास्ट इशू इन दिस चैप्टर, आपने देखा होगा कि लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड होता है फ्रॉम 1/4/1961। सो फाइनेंस एक्ट 21 लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर देता है फ्रॉम 1/4/1961। और डिडक्शन ए डिसअलाउ कर देता है। तो बताइए क्या आपके सारे पुराने केसेस खुल जाएंगे? नो। यहां एओ 147 करेगा, 147 के लिए 148 देगा, 148 देने के टाइम लिमिट्स है 149(1) की जो मैक्सिमम 10 साल है। यहां सेक्शन 150 नहीं लगेगा। 150 कब लगता है? जहां इफेक्ट देना है टू द फाइंडिंग और डायरेक्शन कंटेन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, 254, 268, 262, 263, 264 और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट अंडर एनी अदर लॉ। ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, ये तो फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट की है। तो यहां 150 नहीं लगेगा। पेज 118, इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स इन लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट। इफ अ डिडक्शन इज रेट्रोस्पेक्टिवली डिसअलाउड बाय द फाइनेंस एक्ट, then AO will disallow the deduction by issuing the notices under 148 and making assessment reassessment under 147. But in such cases, the notices under 148 can be issued within the time limits prescribed under section 149(1). Section 150 will have no application here. The AO cannot issue notices for the assessment years which are time barred under section 149(1). तो आप कहेंगे फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्यों करते हैं? तो देखिए जो 10 साल खुल सकते हैं प्रोवाइडेड इनकम 50 लाख से ऊपर है, अगर 50 लाख से कम है तो 3 साल ही खोल पाएंगे। आप कहेंगे जब ये खोल नहीं सकते तो फिर ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड क्यों करते हैं? रीजन है कि जो पुराने केसेस खुल नहीं सकते
जो पुराने खुल नहीं सकते केसेस, बट वो केसेस पेंडिंग हैं, लेट्स से बिफोर द ITAT, लेट्स से बिफोर द हाई कोर्ट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, उन पेंडिंग केसेस में अमेंडमेंट अप्लाई करके अपना डिसीजन दे देंगे, डिसलॉ कर देंगे। तो लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड होता है, तो केसेस खुल सकते हैं 3 साल, 10 साल एज पर 149(1). उससे पुराने केसेस नहीं खुल सकते, उससे जो पुराने केसेस हैं उनको नहीं खोल सकते, लेकिन अगर वो केसेस पेंडिंग हैं बिफोर CIT अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो जिसके पास भी केस पेंडिंग है वो अमेंडमेंट अप्लाई करके केस डिस्पोज ऑफ कर देगा और डिडक्शन डिसलॉ कर देगा। द AO कैन नॉट इश्यू नोटिसेस फॉर द असेसमेंट ईयर्स विच अ टाइम बार्ड अंडर 149(1), बट इन केस ऑफ सच टाइम बार्ड असेसमेंट ईयर्स विच आर पेंडिंग बिफोर अपलेट अथॉरिटी कोर्ट्स, अपलेट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स विल अप्लाई द रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एंड डिस्पोज ऑफ द केस। फाइनेंस एक्ट 21 पास्ड इन मार्च 2021 डिसअलाउज अ डिडक्शन Z रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम असेसमेंट इज 61-62। नाउ इन September 2021 द AO कैन इश्यू नोटिसेस अंडर 148 फॉर असेसमेंट या 15-16। चौदह पंद्रह तो टाइम बार्ड है, फर्स्ट प्रोविजो टू 149(1) जो केसेस ओल्ड लॉ में नहीं खोल सकते थे वो नए लॉ में भी नहीं खोल सकते, 6 साल वाले लिमिट। 15-16 एंड ऑनवर्ड्स डिसअलाउ करेगा डिडक्शन Z प्रोवाइडेड द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट फॉर 15-16, 16-17, 17-18 इज 50 लाख रुपीज और मोर। असेसमेंट ऑफ 14-15 एंड अर्लियर असेसमेंट ईयर्स अगर ये केस पेंडिंग नहीं है कहीं भी तो कुछ भी नहीं होगा, डिडक्शन अलाउ थी, अलाउ ही रहेगी। अगर ये केसेस पेंडिंग है अपील में तो जिन अथॉरिटीज के पास केस पेंडिंग है वो अमेंडमेंट अप्लाई करके केस डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर में आप देखेंगे बहुत टाइम लगा दिया, एंड डेफिनेटली यू विल हैव एटलीस्ट 10-12 मार्क्स कवरेज इन May 2021, इन May 22 एग्जाम आप आराम से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, और MCQs भी बनेंगे टू टेस्ट योर कंसेप्ट्स। ओके, ये टाइम लिमिट से आपको कराता चला गया ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। सो असेसमेंट कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, ये टाइम लिमिट्स लिखे हैं सेक्शन 153 में। 153(1) बताता है कि 144 की असेसमेंट कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 153(2) बताता है कि 147 की असेसमेंट कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, 12 months, one year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज served। Page 131, time limit for completion of assessment under section 143(3), 144, ये time limit change की गई है by Finance Act 21। No order
ऑफ असेसमेंट अंडर 143(3)-144 शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मेड का मतलब क्या है? इशू, सर्व, नो, साइन। मेड का मतलब साइन होना चाहिए। सो ऑर्डर शुड बी साइंड ऑन बिफोर 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इशू कब हो रहा है, सर्विस कब हो रही है, दैट इज इरेलेवेंट। इलस्ट्रेशन 1 फॉर, और आज देखिए बैक डेटिंग करना इम्पॉसिबल है बिकॉज सभी डॉक्यूमेंट्स पर डिन डाला जाता है और डिन ऑटोमेटिक जनरेट होता है, उसके साथ डेट भी आ जाती है। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, बताइए 143 कब तक हो सकती है? एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 31 मार्च 22, वहां से 9 महीने 31 दिसंबर 22। असेसमेंट ऑर्डर अंडर 143(3)-144 कैन बी मेड अप टू 31-12-22। सर्विस ऑफ ऑर्डर अंडर 143(3)-144 मे टेक प्लेस आफ्टर 31-12-22 बट द ऑर्डर मस्ट बी साइंड मेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 22। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 The due date of filing of return was 30th September 21. Late return कब तक फाइल हो सकती है? 31st December. The assessee filed the return on 31st December 21. 143(2) कब तक सर्व हो सकता है? 30th June 22. The AO issued notice under 143(2) and the notice is served on the assessee on 30th June 22. अब बताइए, what is the time period for completion of assessment? 9 months from the end of the relevant assessment year, that is 31st December 22. अब आप इधर देखिए, एक बहुत important issue. आपको exam में दो बार आ चुका है। असेसमेंट ईयर 21-22 ईओ ने 143(3) ऑर्डर पास किया 31st December 22, डिमांड निकाली। मैंने बताया था डिमांड जब भी निकालते हैं तो 156 का डिमांड नोटिस बनाते हैं। 156 का डिमांड नोटिस बनाया उसने 21-23 को, और 156 का डिमांड नोटिस आपको सर्व हुआ 31-23। बताइए असेसमेंट वैलिड है या नहीं? वैलिड है बिकॉज असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है 31-12-22 को। यह मैटर बड़े सारे हाईकोर्ट्स में गया। एक बात बताइए, आपने कभी असेसमेंट ऑर्डर देखा हो 143, 144 का या 147 का, तो उसमें आपका टैक्स भी कंप्यूट होकर आता है या नहीं? कभी नहीं आएगा। पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिएगा, जो असेसमेंट ऑर्डर्स होते हैं उसमें सिर्फ इनकम निकाली जाती है, सिर्फ इनकम निकालता है। जो टैक्स लगाता है वो लगाता है डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156 के थ्रू। एक वो आईटीएनएस भी बनाता है, इनकम टैक्स नोट शीट्स। एओ से डिमांड कर सकते हैं कि भैया आपने टैक्स कैसे निकाला वो बता मुझे, आपको आईटीएनएस की कॉपी दे देगा।
ये उसकी शीट होती है जहां वो वर्किंग करता है, मैंने टैक्स कैसे निकाला है। सो जो टैक्स जो होता है कभी भी असेसमेंट ऑर्डर मेरे लग के नहीं आता। सो 147, 143, 144 के असेसमेंट ऑर्डर में सिर्फ इनकम असेस होके आती है, किसी भी ऑर्डर में आपको टैक्स कंप्यूटेशन नहीं होगी, टैक्स भी नहीं लिखा होगा। जो टैक्स होता है वो निकाला जाता है थ्रू अ डिमांड नोटिस अंडर 156। तो आप देखिएगा आपके ऑफिस में 100% 143(3) ऑर्डर के साथ स्टेपल होके आता है डिमांड नोटिस अंडर 156। और अगर आपको पता करना है ये डिमांड कैसे निकाली गई, इन्होंने टैक्स कैसे कंप्यूट किया, तो एक लेटर लिख दे डिपार्टमेंट में कि मुझे ITNS दे दीजिए, इनकम टैक्स नोट शीट जहां AO ने अपनी डिटेल कैलकुलेशन कैसे किया टैक्स की, वो देगा आप। अब हाई कोर्ट्स ने कहा कि लॉ कहता है कि असेसमेंट कंप्लीट की जाएगी बाय दिस डेट। हाई कोर्ट ने कहा असेसमेंट का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट से कहीं डिफाइन नहीं है, बट हम डिफाइन कर देते हैं। असेसमेंट का मतलब सिर्फ इनकम निकालना नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि असेसमेंट का मतलब होता है इनकम असेस करना और उस पर टैक्स निकालना। सो एज फॉर वेरियस हाई कोर्ट्स असेसमेंट मींस असेसिंग द इनकम एंड लेविंग द टैक्स देयर ऑन। कोर्ट्स ने कहा असेसमेंट तब कंप्लीट मानी जाएगी जब टैक्स निकाल दिया जाएगा। इस केस में डिमांड नोटिस बना है 2123 को एंड देयरफॉर टैक्स कंप्यूटेशन की गई है 2123 को। सो हाई कोर्ट्स ने कहा यहां असेसमेंट कंप्लीट मानी जाएगी 2123 को एंड देयरफॉर द असेसमेंट इज टाइम बार्ड एंड इनवैलिड। जजमेंट है पुरुषोत्तम दास टी पटेल, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इन दिस केस द AO पास असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) ऑन 31/12/2022 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। The said order was served on the assessee on 2123 services and material. Demand notice under 156 was prepared on 5/1/23 and served on the assessee on 6/4/23. 6/1 कर लीजिए, 6/1/23. The court observed that assessment कब complete मानी जाएगी? 5/1/23 जब डिमांड नोटिस बना। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 153(1) प्रोवाइड्स दैट नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर 143(3)-144 शुड बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। द कोर्ट हेल्ड दैट असेसमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस involving not only determination of total income but also determination of tax. Therefore, unless the total income is determined and tax thereon is also levied, it cannot be said that process of assessment is complete. The assessment can be said to be complete when income is determined and tax is levied thereon through a notice of demand. Under 156. In the present case, since the notice of demand is prepared on 5/1/23, the assessment can be said to be completed on 5/1/23 and therefore it's time barred and invalid. Is the time limit for completion of assessment
रीअसेसमेंट अंडर 147 क्या बताया था मैंने आपको, वन ईयर 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व्ड, नो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट अंडर 147 शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर 148 इज सर्व्ड ऑन द असेसी. For example, for assessment year 18-19, the AO issues notice under 148 along with the order under 148A on 31st March 22 to tax the escaped income of 60 lakh. Notice is served on the associate on 4-4-22. Assessment kab tak complete karni hogi? Iska end of the financial year 31st March 23, wahan se 12 mahine 31st March 24. Illustration 2 is interesting. The AO issues notice on 31st March 22 under section 148 along with the order under 148 AD for assessment of 14-15 फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ऑफ 1 crore नोटिस सर्व हो गया 31-3-22 को. असेसमेंट कब तक कंप्लीट करनी है? ध्यान से देखिए, यह नोटिस इनवैलिड है. फर्स्ट प्रोविजो टू 149(1) ओल्ड लॉ में यह नोटिस इश्यू हो सकता था 31st March 21 तक, एंड देयरफॉर नए लॉ में यह नोटिस इश्यू नहीं हो सकता, तो असेसमेंट हो ही नहीं सकती. इन दिस केस द नोटिस अंडर 148 इज इनवैलिड इन व्यू ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 149(1), देयरफॉर असेसमेंट अंडर 147 इज नॉट पॉसिबल. लेकिन इफ हाउएवर असेसी अटेंड्स टू द प्रोसीडिंग्स अंडर 148 एंड डज नॉट ऑब्जेक्ट टू द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये नोटिस वैलिड हो जाएगा एज पर 292(b) और उस केस में एओ असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है 31st March 23 तक. So, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाई अथॉरिटीज क्या क्या करती हैं. एडिशन अफर्म कर दी, डिलीट कर दी, असेसमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दी, असेसमेंट सेट असाइड की, रेफर बैक की एओ को की फ्रेश करके लाइए. अब ये पावर सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कौन एक्सरसाइज करता होगा? इसकी तो ये पावर खत्म कर दी गई. सो फाइनेंस एक्ट 2001 से सीआईटीपी की पावर खत्म कर दी गई थी दैट ही कैन नॉट सेट असाइड द असेसमेंट एंड रेफर बैक टू द एओ. ट्रिब्यूनल की पावर है. पता ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा करते होंगे या नहीं कि असेसमेंट सेट असाइड किया दोबारा करके लाइए? कभी नहीं करते. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं कि डिडक्शन अलाउेबल है या डिसअलाउेबल है, रिसीट टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है. वो ये थोड़ी करेंगे कि हम एओ के पास केस वापस भेजें दोबारा करके लाइए. सो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये करते ही नहीं है. हां, कमिश्नर 264 में ऐसा कर सकता है. सो कमिश्नर 263-264 में ऐसा कर सकता है, असेसमेंट कैंसिल कर दी, कहा दोबारा करके लाई. तो ये जो पावर है सीआईटी अपील सी खत्म कर दी गई थी, ये पावर सीआईटी अपील सी खत्म कर दी गई थी. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते ही नहीं है काम.
बिकॉज वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं कि डिडक्शन अलाउेबल है, डिसअलाउेबल है, रिसीट टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है। तो ये पावर आईटीटी के पास है या फिर कमिश्नर अंडर सेक्शन 263 और 264। अब आप इधर देखिएगा, अब लॉ आप बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, चाहे रफ शीट पे लिख लीजिए, असेसमेंट या 1560 रिटन फाइल हुई 30th सितंबर 15 को, 1432 सर्व हो गया 30th जून 16 को, थ्री हुई मान लीजिए 31st दिसंबर 16 को हो गई, और ईओ ने एडहॉक असेसमेंट कर दी, बुक्स रिजेक्ट कर दी बिना बात पर और उल्टी सीधी असेसमेंट कर दी, असेसी सीआईटीपीएस में गया, सीआईटीपीएस के पास पावर नहीं है टू कैंसिल द असेसमेंट एंड रेफर बैक टू द ईओ, इसने कंफर्म कर दिया एडिशंस, 250 का ऑर्डर पास कर दिया 1119 को, आप ट्रिब्यूनल में गए ट्रिब्यूनल ने 1122 को 254 का ऑर्डर पास किया, असेसमेंट कैंसिल कर दी और रेफर बैक टू एओ कर दी। लॉ आप बनाएंगे। लोग कहते टफेस्ट लॉ है, बट आपसे बनवाऊंगा। आज यही कंसेप्ट करेंगे हम, बट आपको परफेक्ट बना के छोड़ूंगा आज। असेसमेंट ऑफ 1560 रिटर्न फाइल कर दिया अपने ड्यू डेट 30/9/15, 1432 सर्व हो गया 30th जून 16 को, 1433 कर दी एओ ने 31/12/16 को, और इनकम बेसलेस तरीके से निकाली एडहॉक, सीआईटीपीएस के पास गए, उसने एडिशंस कंफर्म कर दी, 250 का ऑर्डर पास कर दिया 1119 को, आप ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल ने 1122 को 254 का ऑर्डर पास किया, असेसमेंट कैंसिल कर दी और रेफर बैक कर दिया एओ को। मैंने आज ब्रेक से पहले आपको कंसेप्ट कराए थे, ये सारे ऑर्डर्स किसको भेजे जाते हैं, सीआईटी को। सो आईटीटी ने अपना एक ऑर्डर भेजा असेसी को और एक भेजा सीआईटी को, और सीआईटी को ये ऑर्डर मिला मान लीजिए 30 अप्रैल 22 को, पॉसिबल है। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, उसके क्लर्क्स ऑर्डर भेजना भूल गए, बाद में भेजा, फैक्ट्स क्लियर है। सो ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर एक कॉपी भेजता है सीसी को और एक भेजता है सीआईटी को, और सीआईटी इंटर्न क्या करता है, फॉरवर्ड टू द एओ। अब देख लीजिए, लॉ आप बनाएंगे, आपसे बनवाता हूं अभी मैं। रिटर्न फाइल किया आपने 30/9/15, 1432 सर्व के टाइम पर,
143(3) टाइम पर हो गया बट एडहॉक असेसमेंट की गई, सीआईटी पे सेडिशन कंफर्म कर दिया ट्रिब्यूनल ने, 1122 को 254 में ऑर्डर पास किया, असेसमेंट कैंसिल की और रेफर बैक किया एओ को कि फ्रेश असेसमेंट करके लाइए। अब फ्रेश असेसमेंट एओ करेगा, अब नेशनल फेसलेस सेंटर करती है, एओ करेगा। अब फ्रेश असेसमेंट किस सेक्शन में की जाएगी जिसमें ओरिजिनल असेसमेंट हुई थी, 143। सो फ्रेश असेसमेंट उसी सेक्शन में की जाएगी जिसमें ओरिजिनल असेसमेंट हुई थी, 143। अब आप लॉ बनाइए, एओ को फ्रेश असेसमेंट कंप्लीट करनी होगी 12 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर इन विच ट्रिब्यूनल पासेस द ऑर्डर। हो सकता है ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करके बैठ जाता और सीआईटी को भेजता 1.5 साल बाद, तो क्या होना चाहिए, वेन द ऑर्डर ऑफ आईटी इज रिसीव बाय द ट्रिब्यूनल बाय द सीआईटी। तो जब भी ऑर्डर ऑफ सीआईटी रिसीव, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिसीव बाय द सीआईटी, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आ जाइए 31 मार्च 2023, वहां से 12 महीने के अंदर यानी 31 मार्च 2024 तक ईओ को फ्रेश असेसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो 143(3) अब कंप्लीट होगी बाय 31 मार्च 2024। बट देखिए प्लीज, हम 153(1) की कॉन्ट्रेडिक्शन में आ गए। 153(1) कहता है क्या कि असेसमेंट 143(3) की 9 मंथ्स में होनी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। लॉ बनाइए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 153(1) वेयर असेसमेंट इज कैंसल्ड सेट असाइड by order of ITT passed under 254, then order of fresh assessment should be made within 12 months from the end of the financial year in which order of ITT is received by the commissioner. ठीक है, suppose इस case में आप 143(3) के against 264 में चले जाते हैं और 264 का ऑर्डर आता लेट से 30th April 2020, और 264 के ऑर्डर में कमिश्नर कहता कि असेसमेंट गलत हुई है, मैं कैंसिल कर रहा हूं, सेट असाइड कर रहा हूं और रेफर बैक कर रहा हूं एओ को फ्रेश असेसमेंट करने के लिए। अब 12 महीने कब से गिने जाएंगे? क्या सीआईटी अपना ऑर्डर अपने आप को भेजेगा? मैंने क्लास पहले बताया था ना। तो यहां क्या होना चाहिए, नॉट विथस्टैंडिंग, तो यह 12 महीने गिने जाएंगे जब इसने ऑर्डर पास किया 264 में, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आ जाइए 31 मार्च 2021, वहां से 12 महीने 31 मार्च 2022, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 153(1) वेयर असेसमेंट इज कैंसल सेट असाइड बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 264, देन फ्रेश असेसमेंट शुड बी मेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास बाय द सीआईटी अंडर 264। बनाएगा टफेस्ट लॉ, क्लियर है? मान लीजिए असेसमेंट ईयर 15-16 का 148 इशू हुआ था आपको, 31 मार्च 19 को आपको सर्व हो गया था, ये आपकी 147 हो गई थी 31-12-19 को, आपने 147 के अगेंस्ट सीआईटी पे अपील की, ट्रिब्यूनल में गए और ट्रिब्यूनल ने 1122 को ऑर्डर पास किया कि हम असेसमेंट कैंसिल कर रहे हैं,
रेफर बैक करें एओ को फ्रेश असेसमेंट। अब ये ऑर्डर सीआईटी को भेजा जाएगा। अब 147 फ्रेश असेसमेंट की जाएगी। लॉ बनाइए, कब तक की जाएगी? जब सीआईटी को ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिला वहां के एंड में चले जाइए 31 मार्च 2023, वहां से 12 महीने 31 मार्च 2024। बट हमने 153(2) में पढ़ा था कि जब सर्व हो जाता है उसके 12 महीने के अंदर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सर्व, उसके 12 महीने के अंदर ऑर्डर पास होना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 153(2) वेयर बाय एन ऑर्डर अंडर 254 या 264 असेसमेंट इज कैंसल सेट असाइड एंड अ डायरेक्शन इज गिवन टू द एओ टू मेक अ फ्रेश असेसमेंट, देन द फ्रेश असेसमेंट शुड बी मेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल इज रिसीव बाय द सीआईटी और ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अंडर 263-264 इज पास बाय द सीआईटी। देखिए 153(3) टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वेयर असेसमेंट इज कैंसिल सेट असाइड किस किस सेक्शन में की जाती है? 254, 263, 264। 250 में पावर छीन ली गई थी सीएटी बिल से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट काम करते नहीं, वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 2 वेयर एन असेसमेंट इज कैंसिल सेट असाइड बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 254, 263, 264 एंड अ डायरेक्शन इज गिवन टू द एओ इन सच ऑर्डर टू मेक फ्रेश असेसमेंट, देन सच फ्रेश असेसमेंट शैल नॉट बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर अंडर 254 इज रिसीव बाय द सीआईटी और ऑर्डर अंडर सेक्शन 263-64 इज पास बाय द सीआईटी एज द केस में भी। केस की नोट्स देखिएगा। सीआईटी अपील्स डज नॉट हैव द पावर, कैन नॉट कैंसिल सेट असाइड द असेसमेंट एंड रेफर बैक टू द ईओ फॉर फ्रेश असेसमेंट। ये लॉ में अमेंडमेंट आ गई है। इफ बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 254, 263, 264 असेसमेंट इज कैंसिल सेट असाइड एंड अ डायरेक्शन इज गिवन टू मेक अ फ्रेश असेसमेंट, तो ईओ जो है फ्रेश असेसमेंट किस सेक्शन में करेगा? सेम सेक्शन जिसमें उसने ओरिजिनल असेसमेंट की थी। ये जो भी हम केस कर रहे थे, क्या फ्रेश असेसमेंट करते वक्त ईओ 148 दोबारा देगा? नो, 148 तो वैलिड है। ऐसे ही जो मैं एग्जांपल करवाया था ये वाला, क्या आपको 143(2) दोबारा देगा? नो, 143(2) वैलिड है। ये तो सिर्फ हायर अथॉरिटी ने बोला कि असेसमेंट दोबारा करके लाइए, नोटिस बिल्कुल सही है। सो पॉइंट 3 कह रहा है फॉर मेकिंग फ्रेश असेसमेंट टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर अंडर सेक्शन 254-63-64 नोटिस अंडर 143(2), 144, 148 और ऑर्डर अंडर 148 ईडी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अगेन एज अ प्रीवियस नोटिस इशूड फॉर मेकिंग ओरिजिनल असेसमेंट इज स्टिल वैलिड। इलस्ट्रेशन देखिए। फॉर असेसमेंट ईयर 11-12 The assessment on the 143(3) was made at 20 lakh against the return income of 3 lakh. Assessee filed an appeal to CIT appeals who confirmed the additions. Assessee filed further appeal to ITAT who by an order dated 29th March 20 cancelled the assessment and directed the EO to make fresh assessment. This order is received by the CIT in 2-4-20. Jab mila, uske end mein aaiye, 31st March 21. So fresh assessment करेगा ये वो 143(3) में बाय 31st March 22। इलस्ट्रेशन 2। फॉर असेसमेंट ईयर 16-17
assessment was made under 143 at 30 lakhs as against a returning of 6 lakhs. A assessee filed revision application under 264. On 25-12-19, contending that assessment was made in haste, jaldbazi, since it was getting time marked. CIT under 264 by his order dated 30 June 20 cancelled the assessment and directed the AO to make fresh assessment after giving reasonable opportunity being heard to the assessee. The said order under 264 is received by the AO on 4-7-20, irrelevant. So, jab commissioner ne order pass kiya, kab pass kiya? 30 जून 20 उसके ईयर एंड में ये 31 मार्च 21 वहां से एक साल 31 मार्च 22 ठीक है। चलिए आज यही रुकते हैं। तो आप देख रहे हैं आप बहुत डेवलप हो रहे हैं इन प्रोसीजर्स में और नेक्स्ट 10 लेक्चर्स में आप देखेंगे आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। आप रियलाइज करेंगे मैंने इस बार इनफैक्ट लास्ट बैच में भी असेसमेंट्स ये जो प्रोसीजर पार्ट है ये पहले लिया क्योंकि होता क्या है सभी लोग पहले आसान आसान टॉपिक करते हैं कैप गेंस पीजीपी तो फिर आपको लगता है लॉ आसान है और फिर ये टॉपिक लास्ट में किए जाते हैं तो घसीटे जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह करें तो हमने पीजीपी भी किया जहां आप डेवलप हुए अब मैं आपको असेसमेंट प्रोसीजर में डेवलप कर रहा हूं एंड बिलीव मी दिस मॉड्यूल The weightage is 30 marks. We'll stop here.